हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। यार तो आज का व्लॉग छोटा सा व्लॉग होने वाला है। इस व्लॉग का जस्ट एक पर्पज़ है, आपको जो मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ इस चीज़ का हम कोई एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये जस्ट आपके एजुकेशन पर्पज़ के बेसिस में आपको दिखा रहा हूँ। आयुर्वेद में इन चीज़ों का उल्लेख है तो उस बेसिस पर आपको इन चीज़ों को दिखा रहा हूँ। सो जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी क्या पहचान है एंड ये चीज़ है क्या, आपको चलिए बताते हैं। सो गाइस, ये जो चीज़ है ये दूर पहाड़ों से एकदम पूरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जहाँ बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हैं, जहाँ से मतलब अगर आप गिर जाओ तो बचने का कोई चांस नहीं है, वहाँ से ये लाया गया है। ये है देसी धूप, जो आप मार्केट से धूप जलाते हैं उस धूप का तो ओरिजिनलिटी है या नहीं उसका कुछ पता नहीं है, बट दिस इज़ प्योर देसी धूप, ओरिजिनल धूप। और इसको अगर आप घर में जलाते हैं इसकी खुशबू को आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगनेंसेस इन द वर्ल्ड आई विल से दिस इज़ देसी धूप। सो ये है, अभी पूछेंगे हम जिन्होंने ये लाया, जैसे मैंने ये मंगवाया था जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये है क्या, किस टाइप से ये होता है, मतलब इसकी पहचान क्या, कैसे पहचान कर सकते हैं। अच्छा काका, ये जो आपने लाया है ये धूप कहाँ मिलता है? ये पहाड़ी में मिलता है। पहाड़ी में मिलता है, ऊँची ऊँची पहाड़ी में, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में मिलता है। और क्या पहचान होती है इसकी? इसके तो सफेद पत्ते होते हैं जैसे कड़म के पत्ते ऐसे। अच्छा, कड़म के पत्तों की तरह होता है। अच्छा, और उधर और भी बड़ी सारी जड़ी बूटियां होती होंगी उधर पहाड़ों में? तो बड़ी है, बहुत ज्यादा होती होगी। छतरी भी है वहाँ पर है, पतीश भी वहाँ पर है, पतीश भी, ऊंट भी वहाँ पर है, ऊंट, चुकरी भी वहाँ पर है, चुकरी। तो ये आप मतलब जब आप लाने जाते हो इसको तो कुछ दिन रुकते हो उधर या एक दिन जाते हो और ले आते? पड़ता चार पाँच छः दिन काटना पड़ेगा वहाँ। अच्छा, पाँच छः दिन पहाड़ी पे काटोगे, बारिश हो बर्फ कुछ भी होगा, कुछ भी हो, जानवर भी होते होंगे पहाड़ी पे, फिर क्या करें, ऊपर वाले के हाथ में काम है। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है ठीक है। और बाकी उधर वो जंगली प्याज बोलते हैं जिसको, कीर नहीं मिला हमको, कीर होता है लेकिन वहाँ पर पहाड़ियों पर ये भी है मगर वो नहीं मिला। सुन, हमने मतलब बचपन से सुना है कि उसकी खुशबू बड़ी खतरनाक होती है। थोम है, जंगली थोम। हाँ, जंगली थोम। हाँ, 18,000 का केजी, 18,000 जंगली। ये जो आप देख रहे हैं ये है देसी तराजू। सो पुराने टाइम में इसी में नाप तोल की जाती थी, कुछ भी अगर आपने बेचना है या लेना है कुछ भी है तो इसमें नाप तोल की जाती थी। तो ये जो ये डाला आपने पत्थर, इसमें ये कितने मतलब क्या वेट है इसका? 2 केजी का, परफेक्ट आपको पता है? परफेक्ट। और ये कैसे ऊपरी होगा, कैसे चूज किया कि ये 2 केजी है? हमने तोल कर बनाया है। अच्छा, पत्थर पहले तोल के बना दिए हैं। अच्छा चलो ठीक। ये तराजू जो है ये 200 साल पहले का तराजू है। 200 साल पहले का ये तराजू है, क्या बात है। हाँ, क्योंकि बचपन से जब से मैं भी हूँ मैंने यही तराजू देखा है। हमारे पता नहीं कितने बुजुर्गों ने पहले बनवाया था, अब पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हो गई अब। और ये जो लकड़ी इसमें यूज की है तराजू में, कौन सी लकड़ी है ये? ये है गू की लकड़ी। गू क्या होता है? गू होता है जंगली दरख्त होते हैं। अच्छा, जंगली पेड़ है कोई, इसका नाम है जिसका नाम। अच्छा, ये जो ये धूप है अगर इसको बनाना है जैसे हमने घर में जलाने के लिए तो कैसे बनाएंगे इसको? इसमें थोड़ा सा कोयला डालते हैं, कोयला डालते हैं है। देसी कोयला। हाँ। और देसी घी डालते हैं। देसी कोयले से मतलब जो लकड़ी जलाते हैं हम उसके अंगारे, उसके अंदर जो कोयला होता है देसी कोयला उसको डालते हैं और देसी घी डालते हैं। और जिसने खुशबू, अगर खुशबू ज्यादा लेनी हो तो मुश्की कपूर भी डालते हैं। अच्छा, मुश्की कपूर भी? हाँ, मुश्की कपूर भी डालते हैं। और थोड़ा सा डालना ना कूट कर, अच्छा कूट कर फिर इसको जलाया जाता है। अच्छा, जलाते हैं। एक और चीज होती है चौराई, चौराई है। और चीज सुनी थी हमने बचपन में, चौराई बोलते हैं उसको। हमने सुना है कि घर में अगर सांप है, कोई कीड़े भी हैं, कुछ और चीजें हैं जिनसे हमको नुकसान पहुंच सकता है, अगर उसको घर में जलाएं तो उसकी जो बदबू वाला या खुशबू जो कुछ भी है उससे वो भाग जाते हैं, है ना? उसकी सुगंध जिस कीड़े को आती है तो वो भाग जाता है। सो गाइस, ये है पुराने टाइम में जिससे कि आप बोल रहे आज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसी ऐसी चीजें यूज करते थे गांव में। आपको सांप खाने का अगर कोई स्प्रे मिलता तो बताना, बट भाई इधर गांव में ऐसा होता है। ये आपने देखा ये धूप है, इसी की टहरा दूसरा होता है चौराई बोलते हैं उसको। ये है मीठी खुशबू वाला, वो एक टाइप की तीखी खुशबू वाला होता है। उससे जो भी आपके घर में सांप कीड़े बाकी जो चीज़ें भाग जाती हैं
तो सुगंध से भाग जाते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में यही था, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताना चाहता था गांव की कुछ ऐसी विलुप्त चीज़ें हैं जो मतलब टाइम के साथ अब थोड़ी विलुप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चलिए आशा करते हैं आपके व्लॉग अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।